जनरल स्ट्रेटजीज क्या हैं स्टे इन टच विद द इंजर्ड एम्प्लॉय नंबर टू हैव रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम एंड यूज इट थर्ड डिटर्मन द काज ऑफ द एक्सीडेंट ये तीन चीज़ें आपको डी स्टूडेंट शायद तीन लाइनें लग रही हैं ऐसा नहीं कि दीज आर नॉट ओनली थ्री लाइन दीज आर टोटल सिस्टम एम्प्लॉय के साथ इन टच रहना कोई आसान काम नहीं जब आप इंप्लाई के साथ इन टच रहेंगे तो इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टू टेक हिज कम्प्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर गोइंग टू टेक हर कम्प्लीट रिस्पांसिबिलिटी क्या आप वो चाहे मेल है या फीमेल है उसकी मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं नंबर टू अपने प्रोग्राम को रिविजिट करें नंबर थ्री उस एक्सीडेंट की काज को डिटर्मन करें ये जनरल स्ट्रेटजीज हैं जिनकी मदद मतलब से आप कास्ट को रिड्यूस कर सकते हैं स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज कल्टिवेट जॉब सेटिसफेक्शन जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है बेसिकली जॉब सेटिसफेक्शन आसान वर्ड्स में जो एम्प्लाई अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएगा और ये कमिटमेंट के नतीजे में सेटिस्फैक्शन पैदा हो जाता है इफ़ इज़ कमिटमेंट द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज इम्प्लाई कमिटमेंट और जॉब सेटिस्फैक्शन उसका रिजल्ट है जॉब सेटिसफेक्शन यू आर सेटिसफाइड विद योर जॉब यू आर सेटिसफाइड विद योर वर्कर यू आर सेटिसफाइड विद योर पे यू आर सेटिसफाइड विद योर वर्किंग एनवायरमेंट यू आर सेटिसफाइड विद योर प्रमोशन सिस्टम ये सब चीज़ें जॉब सेटिसफेक्शन का हिस्सा हैं और जिन ऑर्गेइजेशन के अंदर एम्प्लॉ की जॉब सेटिसफेक्शन होगी वहाँ पर डेफिनेटली वो एम्प्लॉ बहुत ही कंसिडरेशन के साथ केयर के साथ डेडिकेशन के साथ काम करेगा तो चांसिज़ है वहाँ पर इंजरीज के वैसे ही कम चांसिस होंगे

इसी तरह अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स को आपको कंपनसेट करती है साथ उनको ये मैसेज देती है कि वी हैव नॉट यू पीपल तो इट विल एनहांस देर मोराल उनका मोरल खाली हाई नहीं होगा बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन की फेवर के लिए अच्छा काम करेंगे जनरल स्ट्रेटजी दूनर आर एन इंजर्ड इम्प्लाई रिटर्न टू वर्क इवन विद द रिड्यूस वर्क लोड द लोअर वर्क विल बी रिड्यूस कॉस्ट एंड इंटर्न लो दर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस प्रीमियम वैन यूजिंग द रिटर्न टू वर्क स्ट्रैडेज अपने इम्प्लाई को आप वापस ऑर्गेनाइजेशन में ले आते हैं काम पे तो इम्प्लॉय विल फील हैप्पियर देन द प्रीवियस स्टेज वो ये फील करेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मेरी केयर की और दोबारा मुझे काम पे ले आए हैं और ऑर्गेनाइजेशन पहले से कम वर्क लोड के साथ मुझसे काम ले रहे हैं इस तरह वो इम्प्लाई का कमिटमेंट लेवल जीतने में आप कामयाब हो जाएंगे डी स्टूडेंट्स एक तो कमिटमेंट लेवल वो है जो आर्गेनाइजेशन के साथ एम्प्लाई का होता है और एक आर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट भी है टू द एम्प्लाई कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉ के साथ कितने लायल है कितने कमिटेड है कितने उसको स्ट्रांग सपोर्ट कर रही है तो ये दोनों चीज़ें वैसे प्रोकल चलती हैं डिटर्मन द ऑफ एक्सीडेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट हुआ क्यों हुआ कब हुआ कैसे हुआ किस तरह हुआ रीजन क्या थी काजेज क्या थी अगर आप अपने सब काजेज को डिटर्मन कर लें और वो काज को ख़त्म कर दें चांसेस है कि उस तरह का एक्सीडेंट दोबारा ऑर्गेनाइजेशन में इंकर्ड नहीं होगा कल्टिवेट जॉब सेटिसफैक्शन रिकगनाइज एंड रिवार्ड एम्प्लाईज डिटेल में मैं बताना चाहता हूँ कि जो जॉब सेटिसफैक्शन है ये कैसे पैदा होगी रिवार्ड द कम्युनिकेट फ्रिकुन एम्प्लाईज ऑल द एम्पलॉयज मस्ट भी ऑन द सेम पेज बाई दर्गे गिव एम्प्लाइज एज मच कंट्रोल ओवर द वर्क एज पॉसिबल इंप्लायज छोटे छोटे डिसीजन फील लेके फील करें आई एम डूंग वेल एनकरेज इम्प्लाइज टू टॉक फ्रीली अमंगल्व इम्प्लाई आपस में फ्रीली बात कर रहे हैं सम टाइम दे हैव टू स्पेंड देर टाइम अगर वो किसी किस्म की गपशप लगा रहे हैं कोई अपने इम्प्लायज के अगेंस्ट भी बात कर लेते हैं इट डजेंट मैटर वो जब आपस में रिलैक्स मूड में है तो उस वक्त उनका मकसद क्रिटिसाइज करना नहीं होता वो आपस में इन्जॉय कर रहे हैं और कंटेक्स चेंज होने से बातों का मतलब चेंज हो जाता है तो हमें उस कंटेक्स को देखना चाहिए कि बात कहाँ हुई किस तरह हुई किस कंटेक्सट में हुई प्रैक्टिस कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड एडुकुट स्टाफिंग एंड कल्प्लाई टू यूज एम्प्लाई असिस्टेंट्स प्रोग्राम जब इन सब स्ट्रैटजीज को हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल कल्टीवेट जॉब सेटिस्फेक्शन एंड दिस इज स्पेसिफिक स्ट्रैटीज पार्ट मेक सेफ्टी पार्ट ऑफ द कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है सेट ऑफ बिलीफ वैल्यूज ट्रेडिशंस कस्टम्स नाम्स विच आर पास फ्राम जेनरेइजेशन प्रैक्टिस इट उसको हम लोगों ने कल्चर को देखना ऑर्गेनाइजेशन कल्चर स्पेसिफिक क्या है किस तरह का है उसके नॉर्म्स क्या है वैल्यूज़ क्या हैं ट्रडिशन क्या हैं कस्टम्स क्या हैं इसमें इंप्लाईज़ को इन्वॉल्व रखें और इंप्लाई ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को फॉलो करें कोशिश करें कि इम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में फिट हो ऐसा ना हो कि वो इम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को चेंज कर दे जब वो इम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को चेंज करेगा इट विल क्रिएट बैड इमेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड बाय द अदर दाईज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट ऑल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोसेस प्रोवाइड ऑरटेशन एंड ट्रेनिंग फॉर योर आल इम्प्लाईज हुआ न्यूलीड एंड यूर आर्गनाइजेशन हैव रिटर्न सेफ वर्क प्रैक्सिस एंड प्रोसीजर्स है कम्प्रीहेंसिव रिटर्न सेफ्टी पॉलिसी ये वो स्पेसिफिक स्ट्रैटीज़ हैं जिनको अडॉप्ट करके हम काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइजेशन की कास्ट रिड्यूस कर सकते हैं और सबसे अहम बात इम्प्लॉइज की हेल्थ कंपनसेशन के हवाले से आप उनको बेनिफिट पहुँचा सकते हैं ये इंप्लाई हेल्थ सेफ्टी एंड लाज के लिए भी इंपॉर्टेंट हैव अ सिस्टमेटिक कास्ट सिलेक्शन प्रोग्राम

ऑन ऑल एप्लीकेबल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोसीजर रूल्स एंड सो ऑन ये वो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप ऑर्गेजेशन के अंदर इम्प्लॉइज अच्छा काम ले सकते हैं एंड लास्ट में डी स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूज इंटेग्रेटेड मैनेजमेंट केयर इंटीग्रेटेड दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मिलाप को इंटीग्रेटेड कहते हैं कम्प्रीनसिव सेफ्टी हेल्थ प्रिवेंशन प्रोग्राम अडॉप्ट करें हेल्दी एनवाइट डिवेल्प करें ऑन साइड मेडिकल क्लिनिक्स डिवेल्प करें प्लांट कंपनसेशन टीम डिवेल्प करें थर्ड पार्टी एडिकेशन आर्डर डिवेल्प करें क्लेम मैनेजमेंट रखें कंपनीज वाइड सेफ्टी हेल्थ डेटा बेसिस और लास्ट रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम डिवेल्प करें इस तरह इन स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करके आप अपने इम्प्लाइज से बेटर वे में काम ले सकते